हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी सेट के जनरल नॉलेज के मैरन लाइफ इस टॉपिक पर पहली फर्स्ट क्विज है मैरन लाइफ पर, वो हम आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डॉल्फिन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ वेल्स कॉल्ड। डॉल्फिन्स एक ग्रुप ऑफ वेल्स के बिलोंग होती है। जो डॉल्फिन्स का ग्रुप होता है वो एक कौन से ग्रुप ऑफ वेल्स से वो बिलोंग करते हैं? टूथलेस वेल्स, टूथ वेल्स, फ्रेंडली वेल्स या हमबैक वेल्स? तो डॉल्फिन्स को किस ग्रुप ऑफ वेल्स से बिलोंग किया जाता है? टूथलेस वेल्स, टूथ वेल्स, फ्रेंडली वेल्स या हमबैक वेल्स? इसका सही आंसर है टूथ वेल्स। डॉल्फिन्स बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वेल्स कॉल्ड टूथ वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द बॉटो इज ए डॉल्फिन विच लिव्स इन विच रिवर। बॉटो एक डॉल्फिन है जो किस रिवर में लिव्स करती है, ये हमें फाइंड करना है। अमेजॉन, वोल्गा, ब्रह्मपुत्र या जाम्बेजी, इन चार ऑप्शन में से कौन से रिवर में बॉटा ये डॉल्फिन जीवन जीती है? तो इसका सही आंसर है अमेजॉन। द बॉटो इज ए डॉल्फिन विच लिव्स इन विच रिवर, दैट इज अमेजॉन। द बॉटो इज ए डॉल्फिन विच लिव्स इन Amazon River। Next, question number 3, the largest tooth whale which grows to 20 meter in length is the, जो largest tooth whale है जो 20 meter तक बड़ी हो सकती है वो कौन सी है? Sperm whale, blue whale, ब्रह्मपुत्र या जाम्बेजी? तो इसका सही आंसर है sperm whale। Sperm whale is the largest tooth whale which grows to the 20 meter in length। Next, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रंट टूथ ऑफ विच फिश ग्रोज टू फॉर्म ए टस्क अप टू 22.5 मीटर लॉन्ग। जो फ्रंट टूथ होता है फिश का वो ग्रोज होता है टू फॉर्म ए टस्क, टस्क फॉर्म करने के लिए अप टू 2.5 मीटर लॉन्ग। तो वो कौन सी फिश है? ब्लू व्हेल है, नरवाल है, बॉटो है या स्पीयर फिश है? इसका सही आंसर है नरवाल। द फ्रंट टूथ ऑफ नरवाल फिश ग्रोज टू फॉर्म ए टस्क अप टू 2.5 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच शार्क यूजेस इट्स लॉन्ग टेल टू बीट द वॉटर व्हेन हंटिंग। कौन सी शार्क उसकी लॉन्ग टेल यूज करते हैं टू बीट द वॉटर व्हेन हंटिंग, जब वो वॉटर को बीट करना चाहते हैं, जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं? थ्रेशर शार्क, वेल शार्क, व्हाइट शार्क या ब्लू शार्क? तो इन चारों में से सही आंसर है थ्रेशर शार्क। थ्रेशर शार्क यूजेस इट्स लॉन्ग टेल टू बीट द वॉटर व्हेन हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द बैंडेड सी स्नेक लिव्स इन विच ओशन। जो बैंडेड सी स्नेक होता है वो किस ओशन में पाया जाता है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या साउथर्न? तो इसका सही आंसर है पैसिफिक। द बैंडेड सी स्नेक लिव्स इन पैसिफिक ओशन। जो बैंडेड सी स्नेक है वो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर कैन यू फाइंड मराइन इगुआनास। मराइन इगुआनास कहाँ पे मिलते हैं? सीचेलियस, गैल्फागोस आइलैंड्स, मॉरिटियस या बर्मुडास? तो इन चारों में से कौन कहाँ पे मराइन इगुआनास मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पर मराइन इगुआनास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फॉर्म्स द स्वॉर्ड फाउंड इन द 1 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड फिश। किस फॉर्म विच व्हाट फॉर्म द स्वॉर्ड फाउंड इन 1 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड फिश? किस फॉर्म से द स्वॉर्ड फाउंड, मतलब स्वॉर्ड फाउंड होती है इन 1 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड फिश, 1 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड फिश में? अपर जॉ, लोअर जॉ, टीथ या डॉर्सल फिन्स? इसका सही आंसर है अपर जॉ। अपर जॉ फॉर्म्स द स्वॉर्ड फाउंड इन द 1 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर कैन यू फाइंड द कोलाकैंथ। नीचे देखे में से कहाँ पे आपको कोलाकैंथ मिलते हैं? पैसिफिक ओशन पे मिलते हैं, डेड सी पे मिलते हैं, इंडियन ओशन पे मिलते हैं या रेड सी पे मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन ओशन में कोलाकैंथ मिलते हैं। कोलाकैंथ कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडियन ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सी डायग्राम।
ड्रैगन, सी ड्रैगन का, सी ड्रैगन की लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो इन चारों में से कितनी लेंथ होती है सी ड्रैगन की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 40 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द सी ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेगा माउथ शार्क वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द, जो मेगा माउथ शार्क होती है वो अनडिस्कवर्ड थी अंटिल कब तक वो अनडिस्कवर्ड थी? 1970s तक, 1980s तक, 1990s तक या 1960s तक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1980s तक मेगा माउथ शार्क अनडिस्कवर्ड थी, यानी कि उसकी डिस्कवरी होने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेश ईटिंग पिराना फिश आर फाउंड इन विच कंट्री, जो फ्लेश ईटिंग पिराना फिश होती है वो किस रिवर में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 झाम्बेजी, सेकंड अमेजॉन, थर्ड लॉरे, फोर्थ वोल्गा। इन चारों में से कहाँ पे फ्लेश ईटिंग पिराना फिश पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अमेजॉन, अमेजॉन इस नदी में फ्लेश ईटिंग पिराना फिश पाई जाती है, मतलब वो पिराना फिश जो मांस खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू द सकर्स ऑन ए जायंट स्क्विड्स मेजर, व्हाट डू द मेजर्स ऑन ए जायंट स्क्विड मेजर, तो कितना यहाँ पे जायंट स्क्विड मेजर करता है सकस, सकस ऑन ए जायंट, जो जायंट स्क्विड है उसके सकस कितने दूरी के होते हैं और कितने मेजर के होते हैं? 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, 15 सेंटीमीटर अक्रॉस, 20 सेंटीमीटर अक्रॉस या 30 सेंटीमीटर अक्रॉस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर अक्रॉस, 10 मीटर अक्रॉस द सकस ऑन ए जॉइंट स्क्विड मेजर, द सकस ऑन ए जॉइंट स्क्विड मेजर 10 सेंटीमीटर अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इन द वर्ल्ड कैन यू फाइंड जायंट स्पाइडर क्रैप्स, दुनिया में कहाँ पे तू आपको जायंट स्पाइडर क्रैप्स मिलेंगे? इंडिया में, यूएसए यानी अमेरिका में, जापान में या चाइना में? तो इसका सही आंसर है जापान में, इन जापान, या फिर द वर्ल्ड कैन फाइंड फाइंड जायंट स्पाइडर क्रैप्स इन जापान, जापानी देश में आपको जायंट स्पाइडर क्रैब्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वेट ऑफ ए ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का वेट कितना होता है? 100 टन्स, 150 टन्स, 100 टन्स जो फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन 150 टन्स, थर्ड ऑप्शन 200 टन्स, फोर्थ ऑप्शन 250 यानी कि 250 टन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द वेट ऑफ द ब्लू व्हेल इज 150 टन्स, यानी कि लगभग 15, यानी कि आप 1000 किलो, यानी कि 1 टन, यानी कि 1,50,000 किलोग्राम, 1,50,000 किलोग्राम वेट होता है ब्लू व्हेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस सी क्रिएचर्स हैव टस्क, नीचे दिए गए में से किन किस किस कौन से सी क्रिएचर में टस्क मिलते हैं? वो ऑप्शन है वॉलरस, सेकंड सील, थर्ड मैनेटी, फोर्थ डूगोंग। तीन में से सही आंसर है वॉलरस, वॉलरस इज द सी क्रिएचर हु हैव टस्क, वॉलरस वो सी क्रिएचर है उसके पास टस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मैनेटीज, नीचे दिए गए में से कौन सा नाम मैनेटीज को एज ए सेकंड नेम यानी कि अदर नेम यानी कि निकनेम से कहा जाता है? सी लॉयन, सी काउ, सी एलिफेंट, सी बफेलो। तो नीचे में से कौन सा मैंटिस को एज ए अदर नेम या फिर निकनेम से बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी काउ, सी काउ इज द अनदर नेम फॉर मैंटिस, सी काउ ही अनदर नेम है मैंटिस को, मैंटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच फिश डू नॉट हैव गिल्स एंड डू नॉट ले एग्स, नीचे दिए गए में से कौन सी फिश के पास गिल्स नहीं है और वो अंडे नहीं देती? ऑप्शन नंबर 1 स्पीयर फिश, सेकंड एंगल फिश, थर्ड डॉल्फिन एंड फोर्थ क्लॉन फिश। इसका इनमें से सही आंसर है डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स एंड डू नॉट ले एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फिश हैव बीन ऑन अर्थ फॉर हाउ मेनी ईयर्स
फिश अर्थ पे कितने साल से रह रहे हैं? 300 मिलियन ईयर्स, 450 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स या 200 मिलियन ईयर्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 450 मिलियन ईयर्स। फिश हैव बीन ऑन अर्थ फॉर 450 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड? अब तक फिशेस की कितनी स्पीसीज यहाँ पे आइडेंटिफाइड की गई है? 25,000, 35,000, 40,000 या 50,000? तो इनमें से सही आंसर है 25,000। 25,000 स्पीसीज ऑफ फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड नाउ, टिल नाउ, यानी कि अब तक 25,000 स्पीसीज यहाँ पे फिशेस की आइडेंटिफाई की गई है। तो इसी तरह से 20 क्वेश्चंस मैराइन लाइफ के ऊपर, ये फर्स्ट क्विज थी, उसके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, आपको हमेशा कामयाबी मिले। धन्यवाद।